नमस्ते मेरा नाम देव है मैंने मुझे लगता है मैंने दिल से बात की है एंड आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं दिल से बात किया हूँ कि नहीं किया हूं, अगर आप ये शो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आई एम सच ए वंडरफुल चैटिंग विद दिस वंडरफुल मैन सिद्धार्थ कानंद प्लीज़ डू सब्सक्राइब आई थिंक इज़ अ अमेजिंग ह्यूमन बींग अमेजिंग अमेजिंग ही मेक्स इज इंटरव्यू इज सो कूल सो काम एंड यू नो लाइक यू फील दैट यू एट होम सो थैंक यू सिद्धार्थ प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस शो मैं जानना चाहता हूं कि ये इंसान जो ऑलमोस्ट दो हो हमारे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट राइट right? hmm. एक प्यारा सा लड़का था राजू करके <laughs> जो एक बहुत सिंपल फैमिली से था राइट hmm. right? hmm. पिताजी फूड सर्विसिंग फूड सर्विसिंग कैटरिंग का काम हम लोग बॉम्बे में बॉम्बे में करेक्ट हमने बहुत सारी फिल्म कैटरिंग की हमने बाजीगर में इनफैक्ट बीनस जब जितनी खिलाड़ी बाजीगर प्रकाश की जितनी फिल्में थी यू नो हमने हमने कैटरिंग राजनीति तक हमने कैटरिंग की टिप्स की हेल्प में बहुत सारी फिल्म हमने कर, मेरे पापा ने कैटरिंग की तो या आई एम फ्रॉम एक्चुअली दैट फैमिली और माँ एक स्वीट सी हाउस yeah. तो उस वक्त मैंने सुना कि जब राजू जाता था सेट्स पे ना इधर उधर घूम के तभी उसने डिसाइड कर दिया कि कम कैमरा के सामने मैं रहूंगा एम आई राइट आई वोट मैं आई विल नॉट डिनाई या मतलब हर बच्चे को लगता है कि यार पर उस वक्त जो जो मेरी उम्र थी उस वक्त के मुझे लगता था यार क्या वो वॉट ए लाइफ कैमरा के सामने हीरो आते हैं यू नो शॉट खत्म होता है जूस पानी भी नहीं मिल जाता है तब तो वे इसी रन नहीं होते थे तब तो टेंट हुआ करते थे यू नो लाइक इतना जब हीरो लोग बाहर निकलते थे तब ऑटोग्राफ के लिए लाइन तो कहीं जाके मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं मुझे लगता है इस मोह में आ, बहुत सारे यंग जनरेशन उनकी होता होता है ना कि नहीं मुझे ये बनना है तो यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरे दिमाग में था कि कभी यार इस भगवान ने अगर मौका दिया तो यार मैं छोड़ूंगा मैं भी बन के दिखाऊंगा तो मैंने सुनाया कि नाना पाटेकर जी हुँ... का बहुत बड़ा हाथ है शायद प्रहार 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 के के सेट सेट वेरी स्मॉल हमने साउथ के गाँव में शूट किए थे हमने हमने मतलब पापा पापा ओवर ऐसे तो या मैं ना जब मेरी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी तब मैं पापा के साथ चले जाता था, था कभी भी शूटिंग में मगर ऐसा भी हो गया कि जब शूटिंग के काम बढ़ने लगे इन लगे एक साथ में चार पांच आउटडोर होते थे तब पापा मुझे मैनेजर बना के भेज देते थे कि भाई जो भी अकाउंट्स का काम है यू नो बाज़ार जाना सब्जी खरीदना चावल खरीदना तो तू ही देखना वहाँ पे झोल झाल कम होंगे तो वैसे करते करते मैं शूटिंग भी बेसिकली मेरा आइडिया था कि मैं शूटिंग के कितना करीब रहूँ तो मुझे मज़ा भी आता था तो ऐसे मृत्यु में मैं था मतलब जयपुर में दे वेंट टू शूटिंग ंग मितुरन हाँ वाधु दीक्षित जी थे तो मैं जाता था पापा का काम पापा का काम कम और अपना काम ज़्यादा लेके जाता था यार शूटिंग देखना है मुझे शूटिंग के पास रहना जितना मुझे शूटिंग के पास रहो मुझे मज़ा आता था इनफैक्ट मुझे समवेराइज टू फील कि यार ज़िंदगी में अगर मौका मिला तो क्योंकि देखिए एक चीज़ तो वेरी सिंपल है हम लोग के बंगाली में एक लाइन बामुन हुए चांदे से देखा मतलब छोटा हो के बड़ा बड़ा सपना देखना ये ये सूट नहीं करता इंसान को लेकिन मेरा था कि यार एक दिन अगर मौका मिला तो मैं भी इनसे अच्छा ऐसा कर सकता हूँ तो भगवान ने मौका दिया आई थिंक और मैं एक सीधा एक चीज़ मानता भी हूँ कि अगर आपके मम्मी डैडी ने मेहनत की है तो उनको अगर फल नहीं मिला तो डोंट वरी मुझे लगता है भगवान उसका उनका जो भी फल है उनके बेटों को दे देते दे हैं दे, बच्चों को दे देते दे हैं स्वीट यार। है। और मुझे लगता है मैंने जिंदगी में बहुत कम स्ट्रगल किया मेरे मम्मी पापा ने आई थिंक दे है स्ट्रगल द लॉर थ्रू आउट दर लाइफ तो उनकी जितनी भी मेहनत का फल था भगवान ने चुन चुन के मेरे को दे दिया एंड टच उट आई डोंट डिजर्व वेर आई एम टू बट I I somewhere feel that I'm blessed, uh, because of my parents. I'm blessed because because of 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 my my parents. the the people who work with. And uh, uh, yeah, that's it. That's it. simple story of my life. Make flashback बहुत से लोग जब पहली फिल्म नहीं चलती है mm. राइट ऑफ हो जाते हैं ये तो वन फिल्मर mm. है या जीरो फिल्मर है आउट हो जाएगा ये सब तुम्हारे साथ भी यही हुआ मैंने जस्ट दो मिनट पहले एक लाइन बोली थी पेरेंट्स ब्लेसिंग बहुत कम जन को ज़िंदगी में सेकंड मौक़ा मिलता है बहुत कम जन को जिंदगी में जिनके मम्मी पापा प्रोड्यूसर बार डायरेक्टर बा जो इन्फ्लुंसर होते हैं उनको शायद मौका मिल जाता है जिनके मम्मी पापा इतने बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं होते हैं उनको भगवान बहुत कम सेकेंड चांस देता है प्रोड्यूस में से मैं एक हूँ जिसको मुझे सेकेंड चांस मिला था अच्छी जी हम जब मैं शूटिंग करने के लिए कलकत्ते जाता था शूटिंग ख़त्म होती थी मैं वापस आ जाता था बिकॉज प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर पाते थे मेरी भी उतनी हैसियत नहीं थी कि मैं होटल में जाके है ना एक एक महीना रहूँ घूमूँ है ना आई कैन सस्टेन दैट कैन ऑफ लाइफ तो मैं आ गया मेरी पिक्चर रिलीज़ हुई तब तो इतनी प्रमोशन भी नहीं होती थी तो बहुत कम प्रमोशन होती थे एम टॉकउट टू थाउजेंड तो दो तीन प्रमोशन भी प्रोड्यूसर ने बोला तुम चले जाओ अभी तो लगे लगेगा नहीं जब लगेगा तो बुला लेंगे तो मेरी पिक्चर रिलीज हुई तो मैंने अपने मेरे कुछ दोस्त बन चुके थे तब तक कल कलकत्ते में तो उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई देख मेरी भाई पिक्चर रिलीज हो बहुत मेहनत किया तेरे भाई ने तू जा बोला देख मैं फर्स्ट शो में जा नहीं पाऊंगा मेरा ऑफिस का कुछ काम है मैं सेकंड शो में जाता हूँ बोला हाँ प्रोड्यूजर को बोलिए कहाँ लगा रहा बोले या इस इस हॉल में लगा हुआ बोला, बोला जा देख क्या वो बेचारा हॉल के सामने खड़ा के बोल रहा है कहाँ है तेरा पिक्चर मैं तो खड़ा हूँ दूसरा पिक्चर चल रहा है मैंने प्रोड्यूसर को फोन किया बोला क्या हुआ तरह पिक्चर बोला उतर गई पिक्चर वो पहले शो में बोला सुनना उतर गई बोल रहा है नहीं चले तो यू नो दैट इज ऑल्सो द फेस बुच एप गॉन थ्रू कि बारह बजे पिक्चर लीजिए साढ़े बारह एक बजे तक पिक्चर कोई खरीद ही नहीं न्यू कमर था उन्होंने वैसे प्रमोट भी नहीं किया था एंड ठीक है एक्सेप्टेड दैट डेस्टिन बिकॉज मुझे आज भी लगता है कि अगर वो पिक्चर मेरे पास नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता बिकॉज उसी पिक्चर के वजह से मुझे सेकेंड फिल्म का ऑफर मिला कारण uh, मतलब उस पिक्चर के शूटिंग के दौरान मैंने बहुत सारे जन से मिला वहाँ पे बहुत सारे नए प्रोड्यूसर से मिला दिए थॉट कि नहीं इस बंदे में पोटेंशियल है ही इसमें मेरे हम लोग जो पिक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले इस बंदे में वो है जो मेरा कैरेक्टर कर सकता है उसी के वजह से मुझे सेकंड फिल्म मिली तो आई कान आई विल नेवर डिसरेस्पेक्ट माई फर्स्ट फिल्म बिकॉज उस फिल्म के वजह से भगवान आज मेरी जो जो भी है फैन फॉलोइंग सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मेरा घर मेरा गाड़ी मेरा हर चीज़ आई 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 डेडिकेट माई एवरी टू दैट फिल्म जो 12 बजे रिलीज हो गई साढ़े बारह बजे उतर गई है बट स्टिल आई आई थिंक दैट के माई मेन सक्सेस वॉज दैट फिल्म अगर उसी फिल्म के दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो मुझे सेकंड फिल्म ऑफर की और माई सेकंड फिल्म वॉज अ सिल्वर जुबली was the like it ran for more than 30 to to weeks. My God. And And I I I still remember Back -to back I gave blockbusters. रोज शूटिंग करता था मतलब करने के बाद मैं जब बॉम्बे आ जाता था टू थाउजेंड नाइन टेन में प्रोड्यूसर एच डी एफ वर्ल्डेस्ट ऑफ द इंडियस अभी तो आज के तारीख में बंगाल कोई तो दे सर के यार तुम रोज अभी आना जाना बंद करो मुझे लगता है तुम बहुत बड़े स्टार बन चो तुमको अभी फ्लैट खरीदना पड़ेगा पैसे कहां पे आप लोग देते पे पैसे कहा कौन सा फ्लैट चाहिए बोल देन आई फाइनली वॉट अ फ्लैट इन कोलकाता इन टू एंड आफ्टर दैट टच आई नेवर लुक बैक क्या बात है पर एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है इसमें वॉज योर फेलियर माई फर्स्ट सक्सेस वॉज माई फेलियर

स्कूल का फीस टाइम कभी भरा ही नहीं आता था तो, कैलेंडर में तो रिमार्क मार के भेजते थे स्कूल से कि पापा बोलो तीन महीने का फीस बाकी है दो महीने का फीस बाकी है तो आई कम फ्रॉम दैट फैमिली तो आज के तारीख में इफ यू से के स्ट्रगल अगेन आई एम सेइंग व्हाट आई हैव डन इफ इट इज अ स्ट्रगल देन आई थिंक माय मॉम डैड हैज सीन अ हेल बिकॉज हम जिस फैमिली से आते हैं उस फैमिली में स्ट्रगल का डेफिनेशन कोई अलग होता है बट अगेन आई टेल यू सिद्धार्थ जितना लंबा स्ट्रगल होगा वंस यू गेट द सक्सेस उतनी लंबी सक्सेस भी होगी तो मैं एक चीज करना चाहता हूं जब पहला बड़ा सक्सेस हुआ जो भी है जो पहला पैसा आया वो ना बिग मनी शायद okay, तो क्या किया उसके साथ आपने uh... मुझे लगता है मैं बॉम्बे में बहुत सारे काम किए थे तब मैं एल्बम्स क्या करता था जब तुम तो ठहरे परदेसी के टाइम पे हाँ। तब अल्ताप राजा जी पहले पहला गाना उनके ऊपर होता था बाकी जो आठ नौ गाने होते थे कैसेट में तो हम जैसे लोग करते थे, थे तब पीछे से क्या करते थे जब वीडियो एल्बम्स होते थे ना तब हाँ। जैसे क्रेजी बेरी के मेरी बेरी की फेर मत तोड़ो तो पहला गाना सुपर स्टार को वहां होता था जैसे अलताप राजा करते थे पहले वीडियो में उन लोग को दिखाया जाता था उसके बाद तो कैसेट में और नौ गाने तुम्हारे वीडियोस में आप थे हाँ उस वीडियोस में तब मैं मॉडल मॉडल के हिसाब से काम किया करता था तो यू नो लाइक तब मुझे दिन का हज़ार रुपया मिलता था हज़ार हाँ, हाँ, दिन में तीन गाने शूट करते थे तो ऐसे मैंने चार पांच दिन का एक अकोमलेट करके मुझे पाँच हज़ार रुपये समथिंग मिला था चेक मिला था तो मेरे अकाउंट भी नहीं था ऑफ कोर्स हाउ तब तो स्कूल में कॉलेज में था हम कॉलेज में थे हम तो तो मैंने पापा के नाम पे चेक लिया था या इफ़ आई एम नॉट प्रॉपरली याद उसी चेक के चक्कर में मेरा अकाउंट भी खुला हुआ दोनों में से एक हुआ हुआ तो उसमें से मुझे यहाँ तक याद है एक साड़ी तो लिया था मैंने दादर में गया हुआ था क्योंकि दादर में एक मेरी एक दोस्त रहती थी उससे मिलने गया मैं उसको बोला चले मम्मी के लिए कुछ खरीदते हैं पापा के लिए कुछ खरीदते तो जो भी मिला मैंने घर के पापा से पापा ने मुझे पैसा दे दिया था कि ये ले भाई तेरा पैसा सा तू देख ले आई थिंक दिस इज योर हार्ड ऑन मनी तो मैं दोस्त से मिला दादर में गया दादर में हमने कपड़े खरीदे सबको लेके आके दिया दैट्स इट एंड एवरी फिल्म में उससे मैं रिचुअल बन गया है मेरा एवरी फिल्म तो आई गिव माई मोम साड़ी और क्या मम्मी ने कलेक्शन रखा होगा sure. पूछा नहीं बट uh, उनका साड़ी का नाम मेरे पिक्चर के नाम से ये मुझे पता है ये चैलेंज है या आई लव यू है ये प्रेमर का ही नहीं है तो माय मॉम का साड़ी का कलेक्शन सॉन्ग माय फिल्म्स फिल्म सुनी हाउ स्वीट इट्स दे ऑलवेज से राइट कि समटाइम्स हम लोग सोचते ना यार यार मैंने तो तूफान मचा दिया बट वी डोंट रियलाइज हम लोग ने तूफान कुछ नहीं मचाया है एक्चुअली uh, actually. I think it's the karma of parents and all that. And stuff. I'm very scared of karma. Karma, आपको आप जितना भी स्मार्ट होंगे, जितने भी बड़े होंगे यार, आपने अगर किसी का कुछ किया है, तो इट विल कम बैक टू यू इफ़ नॉट यू दैन इट विल कम बैक टू यूर द मोस्ट लव फन जहाँ पर उसको लगेगा तो आपको सबसे ज़्यादा दर्द होगा इट विल कम बैक टू यू कभी आपने कुछ किया है जो आपने रिग्रेट किया बाद में ऑनेस्टली सिर्फ जिंदगी ऐसी चीज़ है ना जिंदगी बहुत डेस्ट चीज़ है मतलब एट टाइम्स यू हैव टू डू समथिंग जहाँ पर आपको लगी यार नहीं भी होता तो अच्छा होता तब मुझे नहीं मुझे लगता कि मैंने भी ऐसे कुछ किए होंगे जो मुझे लगा होगा कि यार ये नहीं करने से भी अच्छा होगा बट यार एट टाइम उस वक्त उस उस समय मुझे लगा ये करूँगा तो शायद उसके लिए भी अच्छा होगा मेरे लिए भी अच्छा होगा लेकिन उसको अभी अच्छा नहीं लग रहा है उसको अभी नहीं समझ आ रहा है कि क्यों अच्छा हुआ ऐसे भी कभी कभी होते हैं कि आप दूसरों का अच्छा करने के लिए कभी कभी बुरा भी करना पड़ता है सो देट दे विल अंडरस्टैंड दे विल दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट तो किए होंगे ऐसा नहीं कि मैं मैं महान हूँ ऐसा नहीं हूँ मैं मैंने भी कुछ कुछ छुट्टे पाप किए होंगे लेकिन कभी किसी का बुरा उसको ख़त्म करने के लिए उसका उसको उसको उस जगह के जगह से नीचे गिराने के लिए वैसा काम कभी नहीं किया बट होता ना यू आर ऑलवेज अ विलन इन सम स्टोरी मैंने इट्स नॉट ने कि यू आर हीरो ओके बट यू आर विलन इन समन स्टोरी अब वो स्टोरी किसका है उसके राइटर कौन है वो आदमी क्या है मेरा किरदार क्या था आई डोंट नो बट या आई एम आई एम विलन इन समन स्टोरी फॉर श्योर मैं क्या कर रहा हूँ भाई तो मेरे तो मेरे लाइफ लेसन चल रहे हैं यहाँ पे मैं एक्चुअली ये सब लिख रहा हूँ दिमाग में दिल से भाई आ, वो कौन सा फिल्म था जो आपको लगा यार यहाँ पे मैंने अपने आप को पूरा दिखाया जहां मेरा एक पोटेंशियल है आई नो यू आर वेरी फाउंड ऑफ ऑल योर फिल्म आप हर फिल्म को रिस्पेक्ट करते एक फिल्म जो आपने कहा यार दिस इज इट जहां मैं कंप्लीट फील कर रहा हूँ बट यार आयरनी ऑफ लाइफ क्या होता है जो आप, आप हर फिल्म को जज करते हो उसके सक्सेस से बट इज नॉट योर बेस्ट फिल्म ने सक्सेसफुल फिल्म ऐसे मेरे साथ बहुत सारी फिल्में जो मुझे लगा यार रहा है बहुत मैं, बहुत मेहनत की यार रही पिक्चर भाग लगा दी पिक्चर चली बिकॉज ऑफ यू आर समी बट इट इमीजियली बिकम स्लॉप बिकॉज आपका वो पिक्चर किसी आपके ही बड़े हिट से कंपेयर किया जा रहा है hmm. आपके ही ब्लॉक बस्टर से कंपेयर किया जा रहा है एंड दूसरे के पीछे उससे जो सुपर हिट फिल्म है मतलब ये हर सुपरस्टार के साथ होता है ये इंडिया में नहीं अब दुनिया में होता है कि hmm. दूसरे के पीछे सुपर हिट है उसका कलेक्शन मेरी पिक्चर जो फ्लॉप है उससे डबल है लेकिन मेरी पिक्चर फ्लॉप है hmm, hmm. ये मुझे लगता है हर सुपरस्टार के साथ होता है बिकॉज यू आर बीन कम्पेयर विद योर ओन सक्सेस एंड आई थिंक दैट्स दैट हैज टू बी आल्सो लाइक दैट इसमें कोई गलत भी नहीं है uh, ऐसी बहुत सारी फिल्में मुझे लगाया मैंने मेहनत की बुनोहाश बोल के एक पिक्चर थी जिनकी डायरेक्टर अभी बॉम्बे में बहुत नाम कमाए हुए जिन्होंने पिंक किया हुआ था अनिरुद्ध हाँ। राय चौधरी ही हाँ। हैज हाँ। डन दैट फिल्म इज फ्रॉम तो उनकी एक पिक्चर थी बुनोहाश मुझे लगी आ, यार बहुत मेहनत की था हमने मैंने, मैंने उन्होंने हमारी पूरी टीम ने रिलायंस द द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म तो हमने बहुत मेहनत की थी बट पिक्चर आज लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं you know, like, लाइक अरे आपकी बुनोहाश हम जहाँ भी जाते हैं वहीं बोलते हैं बुनोहाश आपकी बहुत जोर पिक्चर है दिस पिक्चर दैट पिक्चर बट दैट टाइम नो बडी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द फिल्म बट अगेन आई थिंक ऐसे ही होती है मैंने इसके बाद हमने कबीर की थी मेरी प्रोडक्शन की थर्ड फिल्म थी वेन आई स्टार्टेड अ प्रोडक्शन

शॉट द फिल्म मुझे लगा बंगाल के लिए समथिंग नया बंगाल क्या मुझे लगता है इंडिया में समथिंग नया था टेक्नोलॉजी नया था वी शॉट द वे वी प्लान द एग्जीक्यूशन एवरीथिंग दर इज नो एग्जांपल एज सच इन बॉम्बे और इंडिया आया था इंडियन फिल्म में बट पिक्चर उतनी नहीं चली एंड टूडे पीपल आई वॉट ऑफ फिल्म कबीर पिक्चर का नाम है पीपल जहाँ भी हम जाते आपकी वो थ्रिलर जो थी ना कबीर बहुत कमाल की थी आपने देखी क्यों नहीं जब पर्दे में आती है इफ़ यू डोंट सपोर्ट अ न्यू टाइप ऑफ फिल्म एक्टर ऑल्सो वैसा टाइम भी आता है तब मैंने समझा जिंदगी में और एक एग्जाम्पल है में, कि film, wow. that's it, that's, आप yeah. किसी को ये नहीं बता सकते हो कि यार मैंने बहुत मेहनत की है हर कोई अपने पिछे में मेहनत करता है बट देर आर फ्यू फिल्म एंड आई थिंक देर आर फिल्म देखिए मैं अभिषेक बच्चन से कुछ महीने पहले बात करता सात आठ महीने mm. पहले तो अभिषेक के बारे में एक कॉमेंट आया था जीरो नंबर वन एक मैगजीन यू you नो know, मैगजीन mm. का दौर था फ्रंट पेज वो सब आया था तो वो क्या करते हैं वो मैगजीन को अपने बगल में रखते हैं mm. ड्रॉयर में mm. तो जब भी वो फिल्मों के लिए जाते हैं ना अभिषेक बच्चन तो वो देखते हैं वो मैगजीन को और वो निकलते हैं क्योंकि उनसे कॉन्फिडेंस आता है कि देखो पीपल थॉट आई वाज अ नॉन एक्टर आज ओटीटी के जमाने में आप बैक विद अ बैंक वो कौन सा क्रिटिसिज्म था आपके लिए जिसने आपको मोटिवेट किया <coughs> See, आज की तारीख में ना जितने भी सक्सेसफुल हो पब्लिक रहेगी पीछे आपको क्रिटिसाइज करने के लिए यू कान रन अवे फ्रॉम द क्रिटिसिज्म नो मैटर हाउ गुट यू आर आप दुनिया के सबसे बेस्ट एक्टर हो बट जो क्रिटिसाइज करते हम लोग शुरू होने से पहले बात कर रहे थे दे विल गेट यूर जो भी जो खराब आपके लिए आपके लिए नहीं है द थिंग दैट के

आई टेन माई माइंड के भाई जो भी हो आई विल ऑनली टेक द पॉजिटिव साइड बिकॉज नेगेटिव थिंग्स आई डोंट एंटरटेन नेगेटिविटी एंड आई डोंट अलाउ इट टू कम टू माई रेडियस वर्किंग रेडियस थिंक बिकॉज देखिए आप कहीं आप जितने भी अच्छे और भगवान भगवान को भी हम गाल देते हैं कुछ एक काम भगवान दस काम किया दो, दो काम नहीं होता था क्या भगवान आपको मैंने नारियल चढ़ाया था आपके लिए मंगन मांगित मैंने दस उपास रखा था आपने ये काम नहीं करवाया भगवान नहीं बच पाए तो हम तो यार इंसान है <laughs> तो मुझे लगता है क्रिटिसिजम को पढ़ के

लग रहा था कि आप बहुत पहले एक पैन इंडिया फिल्म करते mm -hmm. ये मूवमेंट ऑफ पैन इंडिया फिल्म शुरू हो गया द साउथ एक्टर्स गेट गेटन टू पैन इंडिया फिल्म मैं बंगाली सिनेमा बंगाली एक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता आई आई मीन मीन दैट दैट थैंक यू इतना रिस्पेक्ट आ, इतना टाइम क्यों लगा देव को टू तो कम अप विद अ पैन इंडिया फिल्म थोड़ा रेस्टलेसनेस था

टू किंग हम रोज देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पैन इंडिया में रिलीज होती है सो इट्स नॉट अबाउट सब कर रेबल का आपको आना पड़ेगा वाई आई किम विद रीजन बिहंड इट बाज द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम पिंग जी आज जिसके लिए हम आप और हम बैठे हुए हैं आज जिसके लिए हम जो इंडिपेंडेंट जो इन्जॉय कर रहे हैं फेस्टिवल सामने नवरात्रि है हम जो इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज दे आर सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी हमारे हमारे लिए दे दी उन्होंने कभी इंडिपेंडेंट इंडिया देखा नहीं उनका सपना था कि देश को आज़ाद करा के हम छोड़ेंगे लेकिन बहुत सारे जिन चल बसे ब्रिटिश के अत्याचारों से कोई जेल में बंद होकर जेल में ही मारे गए उन्होंने कभी इंडिपेंडेंट इंडिया को देखा नहीं मेरी इच्छा इस ये थी ये पिक्चर करने के टाइम कि जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया देख नहीं पाए उस इंडिपेंडेंट इंडिया को उनकी कहानी मैं दिखाऊंगा एंड प्रॉब्ली आई माइट नॉट रिलीज माय नेक्स्ट फिल्म इन पैन इंडिया और हिंदी डब बिकॉज आई डोंट सी दैट कंटेंट हैज़ दैट यू नो रीच बट दिस फिल्म बा ज्योतिन मुझे लगता है एवरी इंडियन को यह फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज वी ओनली नो फाइव और सिक्स और एट और टेन पीपल हुज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियन फ्रीडम बट नो देर आर सो मैनी एंड आई वॉन्ट टू शो दैट के बेंगालीब्यूशन इन इंडिया इस इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के टाइम में बिकॉज एंड बाघा ज्योतिन इज वन ऑफ द ब्रिलियंट कैरेक्टर द गायट द एज ऑफ सिक्सटीन और सेवनटीन उन्होंने अपने हाथों से एक शेर को मारा था एंड दैट्स वाई हज नेम इज बाघा बाघा मीन्स शेर उसका नाम बाघा ज्योतिन हुआ इसीलिए क्योंकि उसके गांव में जब वो गया था मामा से मिलने तब उसके गांव में शेर घुसाया हुआ था बच्चों को उठा के लेके जा रहा था तो मामा बोले चलो शिकार करने जाते हैं उसको मारते हैं जब शेर सामने आया तो पीछे से सब भाग गए तो अकेला खड़ा हुआ था एक सोलह साल का बच्चा अगर इफ द गाय ऑफ सिक्सटीन अगर उसके पास इतनी हिम्मत है वो ब्रिटिश को ब्रिटिश के लिए क्या कर सकता है ही वॉज ए ब्रिटिश फाइनेंस ऑफिसर ही वॉज इन अग पोस्ट बट ही थॉट कि नहीं यार यहाँ पे इनकी गुलामी करके इनको अच्छा इनके लिए पैसा कमा के ये लोग उसी पैसे से हम लोग को ही मार रहे हैं बोला नौकरी के भाड़ में ही ही इज़ द ओनली पर्सन दैट टाइम ही वेंट एंड मेट जर्मनी का प्रिंस जब ब्रिटिश एंड जर्मनी का कुछ झमला चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ही कन्विंस दैम कि मुझे हम लोग का एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास हथियार नहीं है ब्रिटिश हैव हथियार वी यू गेट द वेपन वी कैन फाइट दिस बैटल आउट दे हैव सेंट टू शिप्स लोडेड ऑफ़ गन्स बिकॉज ऑफ बागा जोन ज्योतिन्द्र मुखर्जी बट दैट शिफ्ट समहााउ ब्रिटिश केम टू नो उनके इंटेलिजेंस ने उनको बढ़ा दिया जस्ट रीच होने से थोड़ी देर पहले ब्रिटिश वालों ने उनको सीज कर लिया एंड दे साउंडेड बागा जो विथ फोर हंड्रेड एंड फाइव पैरामिलिटरी ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स दैट टाइम द हाएस्ट रैंकिंग सोल्जर्स फोर हंड्रेड एंड फाइव पीपल साउंडेड फाइव पीपल फाइव मैन इंक्लूडिंग इन्होंने एक सौ पाँच आदमी को मारा था उस बैटल में पाँच इंडियन ने 105 ब्रिटिश को मारा था आई इफ अगर ये कहानी मैं अपने देश को नहीं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा आज इसके लिए हम 76 सिक्स ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और वो कहा जाता है हिस्ट्री में लिखा गया है कि अगर वो जिंदा रहते हैं उस दिन जिस दिन ये जो इंसिडेंट हुआ व जिस दिन वो युद्ध हुआ था वहाँ पे जो फाइट हुआ था अगर वो जिंदा रहते तो गांधी जी का जन्म नहीं होता ये टेगट जो चार्ल्स टेगट जो ब्रिटिश के मतलब वेरी फेमस और वेरी क्रूअल Uh, जो ऑफिसर है उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि अगर वो जिंदा रहते आज गांधी जी का जन्म नहीं होता बिकॉज इंडिया चालीस साल पहले इंडिपेंडेंट हो जाता है इंडिया का अगर वो शिप अगर उस दिन इंडिया पहुंच जाता दो शिप लोडेड hmm. वो अगर वेपन्स अगर इंडिया में पहुंच जाती और मतलब सर्कुलेट हो जाती तो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती कि उसको रोक सके मैं अगर सिद्धार्थ नाउ यू टेल मी इफ आई डोंट से दिस स्टोरी टू अदर स्टेट अदर पीपल हुआ नॉट बेंगोी दैन फिर मैं क्या कर रहा हूँ हम तो एक्टिंग करेंगे ही हम तो पैसा कमा ही लेंगे दिस फिल्म इज़ नॉट फॉर मेकिंग मनी और यू नो शोइंग हाउ बिग आई एम इज नॉट दैट के सिद्धार्थ भाई के साथ मिलने का मौका मिलेगा नो दिस फिल्म इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर ऑल बेंगोलीस वेरी स्पेशल के एज ए इंडियन के भाई मैं अपने देश के बहुत सारे दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ना बहुत कम पावरफुल आदमी उन्होंने लिखा हुआ है आई होप यू एग्री दैट पावरफुल आदमियों ने ही हिस्ट्री लिखा हुआ है बट दे आर सो मेनी अन पावरफुल दे आर नॉट दैट इन्फ्लुएंशल कभी तक हिस्ट्री तक पहुँच ही नहीं पाए इसलिए हमारी हिस्ट्री में वी ऑनली सी वेरी फ्यू नेम्स बट देर आर सो मेनी पीपल फॉम ऑल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन लाइक महाराष्ट्र में मुझे लगता है चाप, चापीकर ब्रदर्स हैं बहुत सारे जन हैं जिन्होंने हिस्ट्री तक पहुँच ही नहीं पाया लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया उसमें से एक है ज्योतिंद्रनाथ मुखर्जी जिनका नाम बागा ज्योति ने उसकी कहानी मैं देश को बताना चाहता हूं मेरे यहां पे कोई रेस नहीं है कि मुझे सब आ रहे हैं बॉम्बे में सब हिंदी हिंदी में आ रहे हैं मुझे आना पड़ेगा नो 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 मैं आपके आवाज में और आपकी आंखों में मेरे तीस साल हो गए इंटरव्यूज करते हुए हालांकि मैं इतना ओल्ड नहीं <laughs> <laughs> करता हूं करता हूँ ज्यादा हेयर डाई पे पैसे नहीं खर्च करता मैं बट आई सेंस थिंग्स लाइक दिस ब्रदर आई नॉट मूव माई आईज फ्रॉम यूर आइज बिकॉज आई थिंक यू टॉक सो मच थ्रू यूर आईज मैं बिलीव करता हूं कि प्योरिटी दिखती है आपने ये चीज तक बोली है कि आई डोंट केयर द फिल्म मनी और नॉट राइट मुझे लगता है कि शायद क्योंकि आप इतने साल रहे इंडस्ट्री में क्या ये वो फेज है जहाँ आपको लगता है कि मुझे देना है वापस करेक्ट वो लगता है आपको देना है मेरी इंडस्ट्री को भी आगे लेके जाना है इस टू वे यू कैन थिंक मैं अपने आप को आगे लेके जाऊँ या मेरे साथ में अपने इंडस्ट्री को भी आगे लेके जाऊँ आई एम आई एम चूजिंग द सेकंड वन कि अगर मेरी इंडस्ट्री आगे जाएगी मेरा लैंग्वेज आगे जाएगा मेरा कल्चर आगे जाएगा मेरे फ्रीडम फाइटर्स के कहानी सामने आएगी तो मेरी इंडस्ट्री भी आगे जाएगी मेरा कल्चर भी आगे जाएगा और साथ में, में भी मैं भी आगे जाऊँगा मैं सबसे पीछे रहूँगा बट कुछ तो स्टेप मैं भी आगे आऊँगा उसी में मेरी विन है कहीं आपको लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कभी कभार बंगाली कैरेक्टर्स को स्टीरियोटिपिकल कर दिया था गलती तो उनकी नहीं है गलती अगर यू फ्यू टॉक द कास्टिंग तो उन्होंने तो हाँ बोलिए काम करने के लिए सिर्फ कैरेक्टर सी वाई बिकॉज सिर्फ सिनेमा को ना आप एंटरटेनमेंट हिसाब से ही लेना चाहिए मुझे लगता है क्या आप उसमें से आप आज के तारीख में एवरीथिंग इज वेरी एवरीथिंग इज बिकम वेरी यू नो इंटरफेयरिंग हो गया आज के तारीख में अच्छा कोई साउथ इंडियन कैरेक्टर आप उसके साथ उसको क्यों छोटा दिखा रहे हो अरे हम लोग तो जिंदगी भर तो देखा हुआ है चत रन सिंगार हम तो कभी नहीं बोले कि भाई वाई किशोर कुमार इज ये एंड इजिंग जीत आई योप्का तबी तबी तो फूल ऐसे था मिठुंदा ही प्लेट आय अपन आयर इन ये, अग्निपथ आयर यम ये नारियल पानी वाला सो तो आज तब तो हम फुल इंटरटेनमेंट सबसे देखते थे आज के तरीके भी अवर्ली स्पोर्ट्सल नहीं मेरा कम्युनिटी को ऐसा हो रहा है मेरा ये आई थिंक जितना दिन जाएगा जितने साल जाएंगे विल बी मोर क्रिटिकल विल बी लाइक पोस्टमार्टिंग में पोस्टमार्टम करेंगे एक एक करेक्टर नहीं मेरे रीजन को छोटा नहीं दिखा सकते विच इस विच इज नॉट गुड मैंने सिनेमा को सिनेमा के हिसाब से ही देखना चाहिए एंड सिनेमा से एंटरटेनमेंट फोरम मैंने उसको आप जितना आप एंटरटेन करोगे उतना ही फायदा उससे ज़्यादा दिमाग मुझे नहीं लगता लगाना चाहिए इफ दर इज नो एजेंडा बिहाइंड इट इंड बहुत सारी फिल्म एजेंडा बेस्ड भी हो गई आज के तारीख में जो दिखती है मेरे बोलने की जरूरत नहीं आप भी समझते हो अगर अजेंडा बेस्ड फिल्म को छोड़ दें अब प्योरली एंटरटेनमेंट फिल्म की बात करें तो मुझे नहीं लगता इज एनी प्रॉब्लम इट्स एंटरटेनिंग यू यू नो जब हम लोग ने जीशु दादा परमप्रता जी दादा स्वास्थिका इन सबको देखा हिंदी फिल्मों में मुझे जेन्यूनली लगा कि आप क्यों नहीं आ रहे थे हिंदी फिल्म में मेरे हिसाब से दो चीजें हो सकती एक तो ये हो सकता है कि आप यू डूइंग वेरी वेल आप हैप्पी हो अपने स्पेस में या फिर आपको लगा कि यहां से ऑफर आना चाहिए तो मैं मूव करूं और मे बी डू सम फिल्म इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज वेल कारण क्या था कि अ पर्सन लाइक यू यूज अ फेनोमिनल एक्टर क्राउड पुलर है पहले हिंदी फिल्मों में नहीं आए सी आई बाई योर फर्स्ट पॉइंट मैंने जो आपने कहा कि एम वेरी हैप्पी काइंड ऑफ फिल्म आई एम प्रोड्यूसिंग होते हैं एम वेरी हैप्पी एंड सॉटेड ऐसा भी नहीं है कि मुझे फिल्म नहीं आया मुझे ऑफर आए हुए हैं लेकिन सुन के मुझे मज़ा नहीं आया मुझे लगा कि यार वॉट एवर आई एम डूइंग ओवर इन बंगाल बहुत ज़्यादा मीटी है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है देन द काइंड ऑफ ऑफर विच आई एम गेटिंग फ्रॉम बॉम्बे तो उतना ज़बरदस्त ऑफर नहीं आया अब कैरेक्टर का मतलब जो जो भी रोल ऑफर जो मुझे लगाया नहीं करना चाहिए ये नहीं करूँगा तो मिस होगा बहुत बड़ा मिस है वैसा कुछ हुआ नहीं देखते आई थिंक आई एम ईयर टू स्टे

He's is a living legend over there, 35-40 years in the industry and still he is working as a hero over there, I think he is phenomenal. Jidda, who has I think he is extraordinary over there. Jishudha, Jishuda I am like, very fond of Jishuda. I think he is killing it in Bombay and South uh, and Porampotha is really doing well. Swastika, name I think they all are very close to me and they are doing fantastic things in Bombay.

to meet you because no. on a personal level also I've heard such lovely things about you yes. and of course जैसे आप flag bearer है अब तो मैं और बड़ा fan हो गया जो इंसान कहता है कि I want to take Bengali cinema forward and I don't mind being in the last row mm. वो दिखाता है आपकी thinking कैसी है hmm. अब मैं पूछ रहा था मेरी दोस्त रुखमनी okay. जो है भाई साहब बताइए कैसे hmm. उन्होंने contribute किया आपकी growth में she is the co-producer of the film I know बाका जोतिन और बहुत professional co-producer है, है. <laughs> भाई साहब <साँग। laughs> समझ रहे हो आप हाँ, ये ये टाइम स्टूडियो ये जूहू से अंधेरी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई साहब <laughs> 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 नहीं, नहीं, <laughs> हाँ. yeah, uh, क्या होता है ऐसे ही आ, काम करते कर तो आप हिले हो रहे थे बहुत सारा काम प्रेशर हाउ गोइंग टू हैंडल दिसल स्ट्रेंथ आई थिंक आई रियली मैंने कभी सोचा नहीं कि वो होने से uh, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज आया बट वो नहीं होने से बहुत सारा प्रॉब्लम uh, होगा ये मुझे पता है आई थिंक मैम टू मच डिपेंडेंट ऑन हर ब्यूटिफुलिपेंडेंट ऑन फॉर वॉट ये भी कभी सोचा नहीं मैं, मैंने, uh, कभी मौका ही नहीं मिला बिकॉज शी इज ऑलवेज दर नेक्स्ट टू मी के मैं मुझे लगता है कि आई एम डिपेंडेंट बट क्या है आई ऑल्सो डोंट नो बिकॉज वो जब नहीं रहेगी तो तब मैं सोचा रही यार मैं जिंदगी तो वैसी थी ऐसी क्यों हो गई तो मुझे लगता है ये भी एक काइंड ऑफ यू नो लाइक साइलेंट एडमायर व साइलेंट लव के यार इट्स नॉट नेसेसरी हैव टू बी के भाई आप हमेशा अपने आपको दिखाओ कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ देर आर समथिंग विच इज़ कॉल्ड साइलेंटली यू नो लाइक टेकिंग केयर ऑफ़ यू सपोर्टिंग यू पुशिंग यू कमिंग मी कमिंग टू बॉम्बे और लिटिल शाय मुझे लग रहा है मैं डेब्यू कर रहा हूँ सत्रह साल के बाद बस लिटिल इनकॉन्फिडेंट आई टोल हर रिक्वेस्ट हर किया चलो यार मेरे को बहुत इनकॉन्फिडेंट फील हो रहा है यू नो लाइक यू लाइक यू बी सरप्राइज वील बी अमेज जब मैं कलकत्ता गया था तब मेरी हिंदी बहुत स्ट्रांग थी बंगाली वीक है बंगाली वीक थी था मैंने बंगाली बोल नहीं पाता था लिख नहीं पाता था पढ़ नहीं पाता था तो मैंने सीखा वहाँ पर कि चलो मुझे यहाँ पर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो सब कुछ करना पड़ेगा आज सत्रह साल के बाद उल्टा हो गया है कि आज मेरी हिंदी पूरी वीक हो चुकी है आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस के हाउ टू यू नो कहीं अगर मैं लड़खड़ा जाऊँ तो लोग हंसेंगे तो नहीं बिकॉज यू आर ए नेशनल हीरो में यू आर रिप्रेजेंटिंग यूर से नेशनल प्लेटफॉर्म दूसरे हीरो जब आते हैं तो वो लोग क्या फटाके से हिंदी बोलते हैं फटाके से इंग, इंग्लिश बोलते हैं यार आई आई थिंक एम लिटिल नहीं यार चलो हम जाते हैं विल 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 रूल इट 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 रन दैट्स उससे ज़्यादा क्या मांगू वाह wow. तो आई कॉन्ट बिलीव बट दीज सच ब्यूटिफुल लाइन दिज सच इवॉल्ड लाइन या तुम बोलते हो कि अगर वो नहीं होगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ राइट मैंने सुना है लोग जब मुझसे बात करते हैं यार मैं उनको पचास बार आई लव यू बोलता हूं वगैरह वगैरह बट दिस इज बेसिकली इट्स अनसेड होता है मुझे लगता है आप तो ना अपने बीबी को रोज जाके बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ लेकिन जिस दिन यू विल मिस हर मोर चुअली यू नो दैट के वो है घर पे वो है वर्किंग ओ यर साइकोलॉजिकली या ठीक है एवरी थिंग हम रायता फैलाते हैं वो ठीक संभाल लेती है कि भाई काम कर रहा है साइलेंटली काम करो आप दिमाग को ठंडा रखो आई थिंक द मोमेंट्स इज नॉट दैट यू फील दैट अच्छा सो डिपेंडेंट ओके आई एम सॉरीट माई वर्ड बैक यू प्लीज कम बैक मैं एक चीज़ बताता हूँ अपने बारे में बिफोर वी साइन ऑफ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ जो मैं हूँ बट मेरी शादी ऑलमोस्ट टेन दस साल होने वाली है एंड नाउ इवन इफ आई टू गो टू पार्टी वर्क डोमेन में मैं बहुत कॉन्फिडेंट मुझे पार्टी में भी जाओ ना आई नीड माई वाइफ टू बी अराउंड अगर मुझे मालूम है वो कोने में भी खड़ी रहती है ना तो मुझे ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रेंथ होती है अगर वो नहीं है रूम में आई स्टार्ट फीलिंग लेफ्ट आउट अंडर कॉन्फिडेंट

मैं बिलीव करता हूँ और जो लोग लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं ना यू कैन सी दैट कोई भी रोल में घुस जाते हैं ऐसा लगता है कि साला दे लिविंग दैट रोल यार एंड आई थिंक यू लर्न सो मच फ्रॉम लाइफ हाँ लोग कहते हैं ना कि मैं ये एक्टिंग स्कूल किया वो एक्टिंग से आई थिंक लाइफ नहीं तुम्हें सब कुछ सिखा देता है लाइफ में बहुत कुछ है वहाँ से अब थोड़ा सा झाक लो थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू योर पास यू गेट सो मेनी इमोशंस जो आपको हर कैरेक्टर में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा